the sun slipped down behind the tarp roofs, and day laborers are streaming home from 10-hour days. सूर्यास्त हो रहा है। हम उस बस्ती में हैं जिसमें त्रिपाल की छतों के नीचे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। ये वो हैं जो गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए हर दिन 10 घंटे पसीना बहाते हैं, लेकिन खुद झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इनमें से अधिकतर मजदूर दलित हैं, दलित जिन्हें किसी जमाने में अछूत माना जाता था, जिनकी माली हालत ऐसी है कि एक दिन काम नहीं तो दो जून की रोटी नसीब नहीं होती। झुग्गी बस्ती के बीच इन मजदूरों ने ईंटे गारे से 5 वर्ग मीटर का एक खास कमरा बनाया है। नीले रंग से पुता ये कमरा झुग्गी के बाकी कमरों से अलग नजर आता है। इन मजदूरों के लिए ये एक मंदिर है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। भगवान बुद्ध जो निर्वाण प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए, जिन्होंने आधुनिक भारत में तथाकथित निचली जातियों के लाखों लोगों को एकजुट होने में मदद की, जिन्होंने दलितों को हिंदुओं की कठोर वर्ण व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। झुग्गी बस्ती के इस मंदिर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। काफी मेंबर है यहाँ पर। सभी लोग सब ऑल बिल्ड टुगेदर। बहुत के लोग हैं ना, उन्होंने बनाया। सो बुद्ध ने कास्ट के बारे क्या बोला? वो कास्ट के बारे में कुछ है, एक ही धर्म है बौद्ध। हाँ, नो कास्ट। बुद्ध उन भारतीयों में पहले हैं जिन्होंने समूचे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी। समकालीन भारत में उनकी भूमिका क्या है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल से लगी भारत की उत्तरी सीमा के पास 2000 साल से भी पहले हुआ था। पद्मासन में बैठे मंद मंद मुस्कुराते बुद्ध की मोहक छवि संपूर्ण विश्व में बेहद लोकप्रिय है। उन्होंने जिस विचारधारा को स्थापित किया वो आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने नैतिक दर्शन शास्त्र की जो धारा प्रवाहित की उसे मानव सभ्यता के निर्णायक मोड़ों में से एक माना जाता है। बुद्ध राजनीतिक चिंतक भी थे जो आज भी स्त्री पुरुष के भेद, भाषा और जात पात की मौजूदा धारणाओं को चुनौती देते नजर आते हैं। क्या ये एक और आधुनिक अवतार हैं? डिविनिटी स्कूल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चार्ल्स हेल्सी कहते हैं, In the 21st century, we often think that the Buddha was someone who was overturning the social order that he found around him. 21वीं सदी में हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्ध अपने आसपास की सामाजिक व्यवस्था को पलट रहे थे, लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों का दिमाग हर तरह की नई संभावनाओं के लिए खुला हुआ था। बुद्ध भी उन्हीं लोगों में से एक थे। खास बात ये थी कि बुद्ध जो कर रहे थे वो बहुत हटकर था, लेकिन क्या वो एक क्रांतिकारी बनकर खड़े हुए थे? मुझे ऐसा नहीं लगता, और मेरी राय ये है कि इसकी संभावना कम ही है। प्राचीन भारत की तस्वीर आमतौर पर उसी तरह से उतारी जाती है जिस तरह के चित्र अजंता की गुफाओं में उकेरे गए हैं। चट्टानों पर उभरे ये दृश्य बुद्ध के जीवन के कुछ पहलुओं की तरह थोड़े धुंधले पड़ गए हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि बुद्ध भारतीय इतिहास के पहले ऐसे जटिल व्यक्ति हैं जिन्हें पहचान और मान्यता मिली। भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले हुई। हिंदू धर्म की धारणाओं के सबसे पुराने स्रोत वेद लगभग 1000 साल बाद अस्तित्व में आए। इसमें बलि और अन्य अनुष्ठानों का विवरण है जिन्हें केवल ब्राह्मण कर सकते थे। बुद्ध के जीवन काल में ब्राह्मणों के वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती मिली। बुद्ध का आगमन ऐसे युग में हुआ जब संपूर्ण विश्व में कुछ नया घट रहा था। ये वही युग था जब प्लेटो के एथेंस, पैगंबर के फलस्तीन और कन्फ्यूशियस के चीन में नए नए आविष्कार हो रहे थे। भारत में भी यही वो समय था जब लोहे के उपकरण बनाए जा रहे थे, सिक्के संपदा के प्रतीक बन रहे थे और लेखन को भी बढ़ावा मिल रहा था। यही वो समय था जब फारस और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के चलते ऐसे शहर विकसित हो रहे थे जहां अलग अलग जगहों से लोग आकर बस रहे थे। बुद्ध मगध में थे, जिसे आज बिहार के नाम से जाना जाता है, जहां सत्ता की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ से अक्सर छूटती रही, जहां उन जातियों का वर्चस्व रहा जिनका युद्ध और व्यापार से सीधा संबंध था। बुद्ध भी क्षत्रिय थे जिनका कर्म युद्ध करना था। सिद्धार्थ के नाम से जन्मा एक व्यक्ति बुद्ध कैसे बना? कैसे उन्होंने अपनी एक अलग ही नैतिक दृष्टि विकसित की?
इस बारे में उतनी ही कहानियां हैं जितनी आज दुनिया भर में बौद्ध परंपराएं हैं। The landscape of ancient India is shot through with revelations, like the Ajanta caves here. महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता की गुफाओं में हम चित्रकारी के ऐसे कई नमूने देख सकते हैं जिनमें बुद्ध के जीवन की कहानी तस्वीरों में दर्शाई गई है। लाल दुलार से पले बड़े सिद्धार्थ ने इंसान को एक दिन पीड़ा से छटपटाते देखा और उस पीड़ा ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने गृह त्याग किया। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सिद्धार्थ 6 वर्ष तक यहां से वहां भटकते रहे। इस दौरान उनकी क्या दशा हुई, पाली ग्रंथों में वो स्वयं बताते हैं। मेरा तन बेहद दुबला हो गया, इतना दुबला कि जब मैंने अपने पेट की त्वचा का स्पर्श किया तो मेरा हाथ सीधा रीढ़ में लगा। इसके बाद सिद्धार्थ उस अवस्था में पहुंचे जहां केवल आनंद था। ऐसी अवस्था जिसमें कोई इंद्रिय इच्छा नहीं होती, जिसमें कोई बुरा विचार नहीं आता। मेरे भीतर अथक दृढ़ता पैदा हुई, सचेत मस्तिष्क जागृत हुआ, मेरा चित्त शांत और एकाग्र हुआ। इसी अवस्था में रहते हुए मानसिक संघर्ष के बीच कई दिन बीतते चले गए। वसंत का मौसम था। सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी उन्हें अचानक ये बात समझ में आई कि दुख की असल वजह क्या है और इसे दूर किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने इस रास्ते को मध्य मार्ग का नाम दिया, जिसमें बहुत अधिक मोह और बहुत अधिक वैराग्य दोनों से बचने की बात कही गई है। उनकी ये शिक्षा धम्म कहलाई, जो बहुत कठोर, बहुत सैद्धांतिक होने के साथ ही ऐसी थी जैसे गागर में सागर। धम्म शब्द मूल रूप से संस्कृत शब्द धर्म के निकट है, लेकिन धर्म में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। इसके विपरीत बुद्ध के धम्म में समस्त प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखा गया है। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध कहते हैं, जगत में हर प्राणी का समान संवेदना से सम्मान करो। बुद्ध दुखों से मुक्ति के लिए न केवल मध्य मार्ग बताते हैं बल्कि एक नए समाज का खाका भी खींचते हैं। बुद्ध का समतावाद उस भाषा से भी स्पष्ट होता है जिसका प्रयोग वो अपने अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। जहां ब्राह्मणों ने संस्कृत को देवताओं की भाषा और वेदों को तथा कथित निचली जातियों के लिए वर्जित बताया, वहीं बुद्ध ने बातचीत में संस्कृत की बजाय स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पुरोहितों का भी विरोध किया। बुद्ध ने महिलाओं और तथा कथित निचली जातियों के लोगों के लिए शिक्षा का स्वागत किया। ये वो बातें थीं जिसकी ब्राह्मण व्यवस्था में मनाही थी। ब्राह्मण कहते थे कि किसी व्यक्ति की क्षमता और कर्म उसके जन्म यानी जाति के आधार पर तय होते हैं, लेकिन बुद्ध ने इस विचार को भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जन्म आधारित योग्यता की जगह कर्म आधारित योग्यता पर बल दिया। बुद्ध की शिक्षा का प्रसार मौखिक रूप में हुआ। ईसा पूर्व 3री सदी में बुद्ध की मृत्यु के बाद भारत के महान साम्राज्य निर्माता सम्राट अशोक ने दूर दूर तक अपने शासन का विस्तार किया और इसके साथ ही समूचे उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षा का प्रसार हुआ। हम बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों ओर धान के खेत हैं और हमारी मंजिल है कर्नाटक राज्य में कनगनहल्ली, जो भारत में पुरातत्व महत्व की बेहद रोमांचक जगहों में से एक है। The site at Kanaganahalli is full of tales from the Buddha's life. कनगनहल्ली में बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां मानो बिखरी पड़ी हैं। यहाँ बुद्ध के कई प्रतीक हैं। इनमें चक्र और बोधि वृक्ष के प्रतीक सब मौजूद हैं। यहाँ की चट्टानों का तो कहना ही क्या, शायद उनकी नरमी ही वो वजह थी जिसके कारण उन्हें इस शिल्पकारी के लिए चुना गया। बौद्ध धर्म का एशिया में अफगानिस्तान से लेकर जापान, कोरिया और समूचे चीन में प्रसार हुआ। बुद्ध के इस संसार से जाने के बाद भी समूचे उत्तर और मध्य भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1000 वर्ष तक फलता फूलता रहा, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी से गिरावट आई और इसकी वजह को लेकर विद्वान आज भी अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म के जानकार प्रोफेसर चार्ल्स हेल्सी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आई कमी के लिए लोग अक्सर बौद्ध समुदाय से बाहर की चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। वे हिंदू धार्मिक समूहों के बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये और उस पर हमले की ओर इशारा करते हैं।
कुछ लोग दक्षिण एशिया में इस्लाम के आगमन को इसकी वजह बताएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये तथ्य बहुत स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों को सुधार के लिए प्रेरित किया और मुसलमान आक्रमणकारियों ने भी इसे निशाना बनाया। 20वीं सदी में बौद्ध धर्म को उसी धरती पर एक बार फिर से फलने फूलने का मौका मिला जहां उसका जन्म हुआ था। इसका श्रेय जाता है आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में लगभग 4,00,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता थे, लेकिन उन्हें जाति आधारित राजनीतिक ढांचे में निचली जातियों को आगे बढ़ाने की क्षमता पर संदेह था। उन्होंने अपने भीतर एक तरह से बुद्ध को तराशा, जिसमें उनकी भूमिका सामाजिक क्रांतिकारी की तरह थी। आधुनिक भारत के अन्य संस्थापकों की तरह भारतीय समाज की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर भी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का सहारा ले रहे थे। उनकी कई बातों को और भी सरल शब्दों में समझा रहे थे और जरूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी कर रहे थे, जिसका उद्देश्य उन बातों को नए ढंग से दोबारा उपयोगी बनाना था। There's a brass bust of Ambedkar in the slum temple, placed next to the figure of the Buddha, golden against the deep blue wall. मुंबई में दलित मजदूरों की जिस झुग्गी बस्ती से हमने बात शुरू की थी, उसी झुग्गी के मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ ही अंबेडकर की पीतल की प्रतिमा रखी है। इस मंदिर में आने वाले वो लोग हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं, जो थक कर चूर होने के बाद शाम को मंदिर आ सकते हैं। तन साफ हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मंदिर उस जगह का उदाहरण है जहां बुद्ध की समग्र करुणा और समता की भावना अब भी जीवित है।